नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं खास पेशकश साइलेंट किलर से सावधान। साइलेंट किलर है क्या? हेल्दी और फिट रहने के लिए लोग जिम में जाकर एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से शरीर को कई फायदे होते हैं, लेकिन असावधानी और गलतियों की वजह से फायदे की जगह आपको नुकसान हो जाता है। जिम में एक्सरसाइज करते समय गलतियों से बचना चाहिए। कुछ गलतियों की वजह से हम जिम करते समय हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ ही कई और परेशानियां भी हो सकती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक कई एक्सरसाइज करते समय ऐसे लक्षण भी आते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान अगर सीने में दर्द, भारीपन, बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत, अचानक हांफना, चेस्ट पर ज्यादा प्रेशर महसूस हो तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं, यानी आपकी परेशानियां भी बढ़ा सकते हैं। इन लक्षण की वजह से कई बार आप अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं। अगर आप हार्ट डिजीज से जूझ रहे हैं तो जिम ज्वाइन करने से पहले कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर परामर्श ले लें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यह आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको सावधानी रखनी चाहिए और उन्हें हेल्थ चेकअप के बाद ही जिम जाना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर एक्सरसाइज के दौरान सीने में दर्द हो, हार्ट अटैक के लक्षण दिखें तो उसी समय जिम बंद कर दें और आसपास मौजूद लोगों की मदद से तुरंत आप पास के अस्पताल में जाएं, भर्ती हों। अगर शुरुआती हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के शुरुआती मिनटों में इलाज मिल जाता है तो जान बचाई जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है तो उसे CPR देना चाहिए और एम्बुलेंस को तुरंत कॉल करना चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक जिन लोगों की उम्र 30 या 40 साल से ज्यादा है उन्हें वेट लिफ्टिंग, कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, ट्रेडमिल करने से पहले कार्डियक कंसल्टेंट करना चाहिए। कई बार जिम की वजह से हमारे हार्ट की ECG में बदलाव आते हैं, लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसा करने से हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, लेकिन अक्सर हम ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा यही लगता कि हम तो स्वस्थ हैं, हमें क्या होगा। लेकिन उम्र के एक पड़ाव पर आकर अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं और अगर आपको जरा सा भी प्रेशर लगता है, अपने सीने में दर्द होता है या आपको लगता है कि आप तबीयत को नासाज महसूस कर रहे हैं, तो ढिलाई बरतना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। सिर्फ आपके लिए नहीं, क्योंकि आप सिर्फ आप नहीं हैं, आपसे आपका परिवार जुड़ा है, आपके बच्चे जुड़े हैं, और अगर आपको कुछ होता है तो पूरे परिवार की जड़ें हिल जाती हैं। इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा है, हेल्थ इज वेल्थ। तो आपका जो सबसे बड़ा धन है वो आपका स्वास्थ्य ही है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। पैसा तो एक बार आएगा और चला जाएगा, फिर आएगा फिर जाएगा, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन आपके शरीर का एक भी हिस्सा अगर कहीं से भी कमज़ोर पड़ता है या उसमें कोई बीमारी लग जाती है तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल भरा दौर होगा। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। नज़र डालते हैं उन दोनों खास मेहमानों पर। हमारे साथ डॉक्टर मेखला हैं, फिजिशियन हैं आप, और MD हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रवि सिंह जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रवि जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जीवन में जो मैंने बात कही, हेल्थ इज वेल्थ, सब कुछ स्वस्थ है। अभी एक कलाकार जिम में प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको दिक्कत आ गई, बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जिम जाते समय एक व्यक्ति को कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, चाहे युवा हो और चाहे एक उम्र के पड़ाव पर आ चुका 40 से ऊपर का व्यक्ति। जी नमस्कार, आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हमें ये समझना चाहिए कि हमारे बॉडी की जो बनावट है वो कैसी रही है, आज तक हमारी लाइफस्टाइल कैसी रही है जी। प्रॉब्लम तब होती है जब हम सडनली कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैवी करने लगते हैं जी। बॉडी हमारी एक कस्टम नहीं रहती है इन चीज़ों को संभालने के लिए, और उसमें अगर पहले अगर किसी की सेडेंट्री लाइफस्टाइल रही है, वो बहुत कुछ उतना वर्कआउट नहीं करता रहा है, और वन फाइन डे उसे लगता है कि नहीं अब मुझे जिम करके अपने मसल्स को बनाना है जी। और ऐसे ही लोगों में ना इस तरह की समस्या आने की संभावना ज़्यादा रहती है जी। तो मेरा ये सुझाव रहेगा
कि जिन्हें भी जिम स्टार्ट करना है ग्रेजुअल स्टार्ट करें, ग्रेजुअली स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपने स्टेमिना को बिल्ड करें। हाँ, अगर कोई 40 से ऊपर का एज का इंसान जिम स्टार्ट करने की सोचता है और उसकी अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है कार्डियक इलनेस की या खुद वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन इस तरह की बीमारियों से ग्रसित है, तो उसे हमेशा पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि किस तरीके की एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ और तभी वो जिम की एक्सरसाइज को फॉलो करें। जिम के जो ट्रेनर होते हैं, खास करके जो यूजुअल जो नॉर्मल से जिम होते हैं, उनके ट्रेनर इन चीज़ों के लिए ट्रेंड नहीं होते कि स्पेशल हेल्थ कंडीशंस में कैसा एक्सरसाइज उन्हें बताना है। जी, डॉक्टर मेखला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मेखला, चूंकि महिलाओं और पुरुषों के बॉडी स्ट्रक्चर में भी फर्क होता है, क्या दोनों के लिए जिम की ट्रेनिंग अलग अलग होती है? और अगर अलग होती है तो 40 से अबव की जो महिलाएं हैं उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? देखिए, जो महिला और पुरुष का तो कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता ही है, पर उनके सिम्टम्स भी बहुत अलग होते हैं। जो आपको ट्रेडिशनल सिम्टम्स पता है जैसे कि चेस्ट पेन हो रहा है, सांस फूल रही है, वो जरूरी नहीं है कि महिलाओं में सिमिलर दिखे। इसलिए महिलाओं में जो हार्ट अटैक होते हैं वो काफी टाइम अनडायग्नोज जाता है। अब आई नो आप 40 साल बोल रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक करे 20 टू 30 इयर्स ऑफ एज में भी अब बढ़ गया है, बोथ यूएस में इंडिया में। जैसे कि सर ने मेंशन किया कि यू नो स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है हम लोग। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, हम लोग जब जिम जाते हैं तो आजकल युवाओं में दे वांट टू डू सप्लीमेंट्स, आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, इन सब में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलेंट्स होते हैं जो आपको हार्ट अटैक कॉज कर सकते हैं। और काफी सप्लीमेंट्स का कॉम्पोजिशन हमें पता नहीं होता, तो उसमें काफी ड्रग्स की मिलावट हो सकती है। तो इन सबको आपको माइंड में रखना है, खुद से कोई रूटीन नहीं शुरू करना। जैसे कि आपने मेंशन किया कि प्री टेस्टिंग जरूरी है जिम जाने से पहले, अचानक आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी बॉडी कभी उसको अडेप्ट नहीं कर पाएगी। एंड डेफिनेटली महिलाओं के लिए थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है, आप उसको यू नो अपने जिम इंस्ट्रक्टर डॉक्टर से पहले क्लियर करिए। सप्लीमेंट की चूंकि आपने मेखला जी बात करी, आजकल तो चॉकलेट्स भी आ गई हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल, लेकिन कैसे बचा जाए, इनसे बचा जाना चाहिए या हम सप्लीमेंट ले सकते हैं उसकी कुछ क्वांटिटी होती है? मैं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ओबेसिटी मेडिसिन यानी कि वेट लॉस मेडिसिन में एक्सपर्टीज अपना मेरा है, तो मैं ये जनता को बिल्कुल अवेयर करवाना चाहती हूँ कि आप कोई भी ऐसे सप्लीमेंट्स ना लीजिए। हर सप्लीमेंट का कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है, दे आर नॉट मेडिकली राइट नेसेसरली। आपको पता नहीं है कि आपको अंडर डायग्नोज्ड डायबिटीज है इवन एज अ 30-year-old 40-year-old, और शायद उसमें शुगर कॉम्पोनेंट बढ़ा हो, प्रोटीन कॉम्पोनेंट्स बढ़ा हो। आप देखेंगे कि किसी ने शेक शुरू किया तो उसकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई। तो ये जो डाइट्स एंड सप्लीमेंट्स होते हैं ये एक डॉक्टर से ही रेकमेंडेड होने चाहिए या बहुत लाइक अप्रूव डाइटिशियन से। आप खुद इसको ना शुरू करिए, इसमें और भी चीजें होती हैं, आपके मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स, वाटर इनटेक कितना होता है, और ये युवाओं को या किसी आम आदमी को नहीं पता चलेगा, ये सब मेडिकली मॉनिटर्ड होना चाहिए। जी डॉक्टर, अभी हम ये समझना चाहेंगे कि आज के युवाओं में बड़ा क्रेज रहता है कि हमें फला एक्टर के साथ तरह दिखना है, सिक्स पैक एप्स की बात करते हैं, एट पैक एप्स की बात करते हैं, और उसके चलते वो एक बड़ा मुश्किल दौर से भी गुजरते हैं। ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब किस तरह से वो ट्रेनिंग लें, क्योंकि वो जिस तरह से जोश में जूझने लगते हैं कि मुझे 4 महीने में 6 महीने की एक ड्यूरेशन तय कर लेते हैं और वो उनके लिए मुश्किल भरा दौर होता है, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, आपकी बहुत ही सही आपने सवाल पूछा। देखिए, हमें ना सबसे इम्पोर्टेंट अपने शरीर को समझना जरूरी है जी। और ये जो भागम भाग हो गई है कि 4 महीने के अंदर ही सब कुछ चाहिए मुझे जी, तो इसमें क्या होता है, आप अनड्यू स्ट्रेस डाल देते हैं अपने बॉडी के ऊपर। आप बहुत तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, आप स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लेते हैं। जो हीरो या जो भी फेमस पर्सनालिटीज हैं वो अगर अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उनके साथ एक पूरी टीम होती है जी। उनके डॉक्टर्स होते हैं, उनके फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनके डाइटिशियन होते हैं, वो सारे एक्सपर्ट उनके साथ लगे हुए रहते हैं जी। तो वो उनके गाइडेंस में कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ पे ये जो कॉमन मैन एक कर रहा होता है, ये जो कॉमन मैन के साथ है उसके पास इतनी सारी सुविधाएं नहीं है जी। वो बस एक उनको जस्ट कॉपी करने लगता है जी।
तो इसके वजह से क्या प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें अपने हेल्थ पे क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं इस चीज़ों का उसे पता नहीं चलता। और यूजुअल हम लोग देखते हैं यंग लड़के हैं जो ऐसे ही कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, मसल बनाने के लिए प्रोटीन के सप्लीमेंट लेते हैं और उनकी किडनी खराब हो जाती है, वो हमारे पास आते हैं रीनल फेलियर लेके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस के ऊपर बिलीव करें, धीरे धीरे अपने स्टेमिना को बढ़ाएं। मसल्स बनाना बहुत बड़ा एम नहीं होना चाहिए, आपके बॉडी को फिट रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रैदर देन कि उसमें 6-pack एब्स या 8-pack एब आ जाए। आप ग्रेजुअली एक्सरसाइज करते रहो, 2 साल 3 साल 4 साल में अपने आप ही जो मसल में ग्रोथ होनी होती है वो हो जाती है। तो इसके पीछे भागना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, पूरा ट्रेनिंग का जो टाइमिंग्स है उसका ध्यान में रखना चाहिए। ड्यूरेशन एटलीस्ट कम से कम 2-3 साल का तो होना ही चाहिए। मेघना जी, बहुत कुछ बदल गया है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, एक वक्त था जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब तो एकल परिवार है और अलग रहते हैं। ऐसे में क्या स्ट्रेस इस वजह से भी बढ़ रहा है कि हमें अपने बच्चों की शिक्षा कितनी बेहतर करनी है, हम अपने आप को झोंक दें, हम खुद आराम ना करें, लेकिन यह है कि आने वाली जनरेशन हमारी जो है, हमारे साथ जो बीता वो उनके साथ ना बीते, इस चक्कर में भी स्ट्रेस ले जाते हैं जबरदस्ती। तो ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि वो स्ट्रेस बेवजह ले रहे हैं या उन्हें इस तरह का स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए, सब चीजें स्मूथ चलें, सब चीजें हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। जी एब्सोल्युटली, आपने जो बोला बिल्कुल सही है। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज का दौर है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, स्ट्रेस है, यू नो, ये स्मोकिंग, वेप, ऐसे काइंड ऑफ आपके जो बुरी आदतें अनफॉर्चुनेटली बढ़ गई हैं क्योंकि स्ट्रेस बढ़ गया है। और इन चीजों में ना आपकी जो नींद है, जो नींद का रूटीन है, स्लीप रूटीन जिसे हम कहते हैं, स्लीप हाइजीन, वो बहुत ही खराब हो गया है। एंड देयर आर मेनी स्टडीज जो पुअर स्लीप को लिंक करती हैं डायरेक्टली टू हार्ट डिजीज। तो आजकल स्लीप हाइजीन पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है और आपको एज इंडिविजुअल ध्यान देना ही पड़ेगा इस पे, क्योंकि उसकी वजह से स्पेशली कोरोना के बाद जो ये दौर चल रहा है उसमें आपका वैसे ही इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर, किसी को कोविड हुआ हुआ है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, ये सब आपका हार्ट पे इन्फ्लुएंस करते हैं। दिस इज समथिंग कॉल्ड अ स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी, जिसमें कि जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली आपके हार्ट को अफेक्ट करते हैं। तो शायद आपको शायद कॉरोनरी डिजीज ना हो, जो हम प्लाक्स वगैरह की बात करते हैं, बट आपको ये हार्मोन्स डायरेक्टली हार्ट में अफेक्ट दिखा सकते हैं। तो जैसे हमने सुना होगा कि सुबह आपको हार्ट अटैक आ गया 4 बजे किसी को सोते सोते, तो ये उसका एक क्लासिक एग्जांपल होता है। तो आप प्लीज अपनी बेसिक स्लीप हाइजीन, अपना खाना पीना, स्ट्रेस लेवल, ये कहना आसान होता है बट इन चीजों पे फोकस और प्रायोरिटी बनानी ही पड़ेगी यंगर जनरेशन को। जी, एक लाइन याद आ रही जो हम लोग को अक्सर बचपन में बताई जाती है डॉक्टर रवि, कि एन एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को हम अवे इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि आज जिस तरह की दिनचर्या हम अपनाते हैं उसमें डॉक्टर्स का सजेशन, अगर डॉक्टर आपके मित्र हैं तो बहुत बेहतर हो जाता है, लेकिन आज हर कदम पे आपको एक सलाह चाहिए ही होती है डॉक्टर की, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, आप उम्र के जिस पड़ाव पर है वहां पर आपको किस तरह की ट्रेनिंग लेनी है, किस तरह की प्रक्रिया, किस तरह की दिनचर्या अपनानी है, कौन कौन से वो साइलेंट किलर हैं जिन्हें हम अक्सर नहीं समझ पाते, वो हमें संकेत देते हैं, तो आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, आज के समय में हमारे देश में एक बीमारी सबसे ज़्यादा फैल गई है, हमारे देश को कैपिटल बोला जा रहा है इस बीमारी का, ये है डायबिटीज़। ओके, सो जब हमारा देश डायबिटीज़ का कैपिटल बन गया है, सबसे ज़्यादा मरीज हैं इस बीमारी के, तो इस बीमारी के साथ ना 3-4 बीमारियाँ और जुड़ी हुई होती हैं। एक है हाइपरटेंशन, तीसरी बीमारी होती है मोटापा ओबेसिटी, चौथी बीमारी होती है डिसलिपिडीमिया, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। इन चारों बीमारियों को बोला जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो जब भी किसी को इन चारों में से कोई भी एक बीमारी डायग्नोज होती है तो उसे हार्ट अटैक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है, या अगर किसी को किडनी की समस्या है तो किडनी की बीमारी को भी हार्ट अटैक के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो अगर कोई भी इन सब बीमारियों से ग्रसित है तो उसे सावधान रहने की जरूरत है।
डायबिटीज के मरीजों में खास करके क्या है, चेस्ट पेन, क्लासिकल चेस्ट पेन जो बोला जाता है कि आप काम कर रहे हैं उस समय अचानक से दर्द होने लगा और वो दर्द आपके बाएं हाथ के तरफ रेडिएट करे, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, उन्हें बस ऐसा लगेगा कि उन्हें सांस फूल रही है, सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही है, या फिर ऐसा होगा अचानक बहुत ज्यादा थकान लग रही है, हृदय की धड़कन जो पाल्पिटेशन को बोलते हैं उन्हें फील होने लगेगा कि उनका धड़कन काफी तेज हो गया है। अगर इस तरह की कोई भी बात हो तो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी डॉक्टर मेखला जी, हमने ब्रेक से पहले बात करी थी कि एनएपल कीप्स द डॉक्टर अवे, लेकिन आज जिस तरह के हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जिस तरह के हम फल फ्रूट खा रहे हैं, इंजेक्टेड होते हैं, उनमें कोई ना कोई केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, तो कैसे बचा जाए इनसे? क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि एप्पल खाने से हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, व्हाट आई थिंक जो आप पूछ रहे हैं, इट्स अबाउट लाइक योर डाइट इन जनरल, जो ये कहावत है काफी पुरानी है जी। मतलब सिर्फ कहना ये होता है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें। बिल्कुल जी। तो यू आर राइट, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आजकल चीजें आ रही है उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते जी। बट मेन थिंग इज कि हम अपनी डाइट को सिंपल रखें, यू नो, अवॉइड लाइक फैटी फूड एंड फ्राइड फूड, और जितना हम ऑर्गेनिक एंड सीड्स एंड यू नो लाइक मोर हेल्थी चीजें खा सकते हैं, दैट इज व्हाट आवर प्रायोरिटी शुड बी। दूसरी चीज ये भी समझना चाहेंगे महिलाओं के लिए, यूथ्स को लेकर भी क्या कहना चाहेंगे कि वो अगर जिम नहीं जा पाती हैं, जिनके पास नहीं पैसा है जिम में वेस्ट करने के लिए, तो वो घर पर रहकर किस तरह के प्रयास करें ताकि वो स्वस्थ रख सकें खुद को। बिल्कुल, ये महिलाओं के लिए ज्यादा कॉमन है, बिकॉज यू नो जैसे मेरे खुद के छोटे बच्चे हैं, आपके लोग बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल, आप खुद जैसे अगर आप प्राइमरी कुक हैं अपने, तो आप उसमें अपनी चेंजेस ला सकते हैं, ब्रिंग इन लाइक हेल्दियर ऑप्शंस फॉर योर फूड एंड योर फैमिली टेबल। एंड महिलाओं के लिए स्पेशली जैसे आप घर पे सूर्य प्राणायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिम ही हो, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज जिसमें आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो ट्रेनिंग दोनों मिल रही है। एक और चीज है आजकल, उसको हिट ट्रेनिंग कहते हैं, विच इज 15 मिनट्स ऑफ इंटेंस ट्रेनिंग। तो उसकी स्टडीज में आपको 15 मिनट इज इक्वल टू आप 2 घंटे जिम जाके उतनी ही कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तो जो लोग टाइम पे लिमिटेड हैं उनके लिए मैं हाईली हिट ट्रेनिंग सजेस्ट करूंगी। अगेन, आप प्लीज अपने डॉक्टर से इसको कंसल्ट करिए, क्योंकि ये हाई इंटेंसिटी है और सिर्फ यूट्यूब पे देख के शुरू मत होइएगा। बट दैट इज वन वे ऑफ सेविंग योर टाइम, स्पेशली आजकल के एरा में जिनके पास टाइम नहीं है। जी डॉक्टर, अभी हम ये भी समझना चाहेंगे, अगर अचानक से इस तरह की एक्टिविटी होती है या इस तरह का साइलेंट क्लियर से आपका सामना हो जाता है, फर्स्ट एड क्या है? जो व्यक्ति अननोन है, मान लीजिए वो क्या करें उसे समझ में नहीं आता कि अरे चेस्ट पेन हो रहा है, अब हम क्या करें, फोन ऑन तो वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले उसे क्या ऐसा करना चाहिए जिससे रिलैक्सेशन मोड पर उस व्यक्ति को पहुंचाया जा सके, फर्स्ट एड क्या दी जा सके? सबसे पहले तो उसे ना कोई हेवी फिजिकल एक्टिविटी तुरंत रोक देनी चाहिए, और दूसरा आप करने को अगर वहाँ पे ब्लड प्रेशर की मशीन है या कोई फिजिशियन नियर बाई में है तो उसे वो दिखा सकता है। कुछ लोग क्या होते हैं जिन्हें जैसे उन्हें डायग्नोज होती है कि हाँ भाई आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो वो ना कुछ दवाइयाँ भी रख के चलते हैं अपने पास जी, जैसे इकोस्प्रीन का टैबलेट या फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट एड क्या घर पे भी एक हाँ सॉर्बिट्रेट का टैबलेट, ये सारी चीजें वो ना रख सकते हैं अपने पास। तो अगर उनके पास ये दवाई है तब तो आप उन्हें दे सकते हैं ये चीज, अगर ये चीजें नहीं है तो फिर उन्हें आपको नियर बाई किसी हॉस्पिटल ही तुरंत शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर सपोज उसके पास सॉर्बिट्रेट की टैबलेट है तो एक टैबलेट जीभ के नीचे रखने से कई बार ये एंजाइना का जो चेस्ट पेन है वो काफी रिलीव हो जाता है। ये भी एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है कि हाँ इन्हें चेस्ट पेन जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के वजह से ही हो रही थी, केवल गैस के गैसियस डिस्टेंशन नहीं था। तो एक छोटी दो एक दो दवाइयां वो रख सकते हैं, बट ज्यादा मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेट करना ना वो हार्मफुल हो सकता है। डॉक्टर मेघना, चूंकि वक्त अब बहुत कम है तो चलते चलते हम आपसे सिर्फ ये पूछना चाहेंगे कि फिट तो हर कोई दिखना चाहता है, लेकिन फिट क्या वेटलिफ्टिंग के जरिए या जिम जाकर ही खुद को फिट रखा जा सकता है, या कुछ और भी तरीके हैं जैसे आप
आप खुद को फिट रखती हैं या आप कैसे खुद को फिट रखती हैं वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे, ताकि लोगों को सीख मिल सके कि एक डॉक्टर खुद को कैसे फिट रखता है। जी बिल्कुल। सो फिटनेस की डेफिनेशन बहुत अलग होती है। अगर आप फिटनेस सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या एब्स को समझ रहे हैं तो वो गलत है। हर किसी का BMI डिफरेंट होता है, उसका गोल डिफरेंट होता है। आप 60 साल की फिटनेस को और 80 साल फिटनेस और 20 साल फिटनेस, अगेन सबकी अलग डेफिनेशन होती है। आई थिंक फिटनेस मेनली डाइट एंड आपकी बॉडी कितना यूज टू हो सकती है उससे शुरू होती है। जैसे कि मेरे पास अगर मैं टाइम नहीं है मेरे पास पेशेंट्स देखने का घर पे, एज आई सेड कि आई विल डू योगा घर पे, आई विल फिक्स माय डाइट, बाहर का खाना कम, राइट फूड कम। आप इन छोटे छोटे स्टेप से अपने आप को एक यू नो स्टार्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द ऑफिस कुछ एक्सरसाइज बताना चाहिए। जो मेडिकल चेकअप होता है उस पर ध्यान दीजिएगा, नो मैटर व्हाट एज यू आर। ओके, मैं ड्यूरिंग द ऑफिस की बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग कुर्सी पे बैठे हैं 12-12 घंटे बैठे हैं और वो हिल नहीं रहे वहां से, क्या वो कुर्सी पर बैठे बैठे भी कुछ ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं स्ट्रेचिंग की जिससे वो फिट? जी एब्सोल्युटली। यू नो आजकल सबके साथ सबके पास स्मार्ट वॉचेस हो गई हैं, तो उसमें लोग काफी टाइमर्स लगा देते हैं कि हर एक घंटे में मूव करना है, हर 45 मिनट्स में आपको चेयर से उठना है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जैसे आप बैठे बैठे कर सकते हैं। आजकल अर्गोनॉमिक टेबल्स आ गई हैं ऑफिस में, जहां आप खड़े हो सकते हैं, यू कैन डू योर टाइपिंग एंड कंप्यूटर स्क्रीनिंग। जो लोग कंप्यूटर पे देखते हैं उनकी भी आईज एक्सरसाइजेस होती है कि आपको एवरी 20 मिनट्स अवे फ्रॉम स्क्रीन देखना है। तो आजकल बहुत इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे एंड योर डॉक्टर्स कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इट, बट डेफिनेटली लाइफ स्टाइल चेंजेस ही फर्स्ट स्टेप है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम अहम जानकारियां देने के लिए। उम्मीद ये करते हैं कि वेट लिफ्टिंग से ज़्यादा आपको या वेट ट्रेनिंग से ज़्यादा आपको सिर्फ ये समझना है कि आपकी बॉडी तैयार है उन चीज़ों के लिए जो आप करना चाहते हैं। तो एक सलाह तो कोई भी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले डॉक्टर से लेनी ही चाहिए, और डॉक्टर से बेस्ट कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं, वो सिर्फ पैसे कमाना नहीं जानते हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि आप स्वस्थ कैसे रहें, और स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं होता। आप स्वास्थ्य को अगर पैसे से तोलेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान आपका होगा, तो इसलिए सुझाव ले लेना बेहतर होता है। खुद को स्वस्थ रखिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं और कोशिश भी हमारी यही रहती है कि APN के ज़रिए हम ऐसे प्रोग्राम आप तक पहुँचा पाएँ जिससे आपको घर बैठे ही वो तमाम अहम जानकारियाँ मिल जाएँ जिनकी आपको ज़रूरत है। आपको क्या, हम सबको ज़रूरत है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।